अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है एक पुलिस वैन, फायर्स अ बुलेट एट द थीफ कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पुलिस का खुद कितने से वैन मूव कर रहा था, 30 से, और उसने बुलेट फायर किया, थीफ का मूव कर रहा था 192 किलोमीटर पर आवर से। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, मजल स्पीड का फॉर्मूला होता है, मजल स्पीड क्या होता है, जो किसके रिस्पेक्ट में होता है स्पीड, मूविंग वैन के रिस्पेक्ट में, मतलब गन के रिस्पेक्ट में, जिस गन से फायर किया गया, रिलेटिव वेलोसिटी में ये कॉन्सेप्ट है, मतलब मजल वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 150 नहीं है, वो खुद पुलिस को लग रहा है कि मैंने इतने से फायर किया है, ग्राउंड वाले को ये थोड़ा ज़्यादा ऐड होके दिखेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड पूछी जाएगी तो 150 + 30 किया जाएगा, 150 + 30 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना वेलोसिटी होगा। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, तो बुलेट की स्पीड कितनी लेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ऐड कर लेंगे, तो 150 मीटर पर सेकेंड, और उसका 30 किलोमीटर पर आवर था तो मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकेंड में कितना था, विथ स्पीड 30 था, तो उसको कन्वर्ट कीजिए 30 × 5/18, तो ये आ जाएगा, 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम और ये 5, तो 25/3 आया मीटर पर सेकेंड में, दोनों को ऐड करेंगे तो 475/3 आएगा, इतना बुलेट का स्पीड रहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड। तो ये जो बुलेट आ रहा है और थीफ का डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है उसका, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सामने सामने अपोजिट आता है तो ऐड होता है, तो इसका आंसर होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आ गया 475/3, तो स्पीड ऑफ थीफ कार है 192, जिसको मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो 192 × 5/18, वो करने से आएगा 160/3। रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, दोनों को माइनस मतलब करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बुलेट भी जा रहा है जिधर, थीफ भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, सामने से आता तो ऐड होके उसको अपीयर होता स्पीड, तो नेट या रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट दोनों को कर देंगे तो आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या आएगा 105 मीटर पर सेकेंड।